हिमाचल के पहले 24 घंटे के डिजिटल टीवी का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कर कमलों से। लाइव टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिजिटल टीवी चैनल। www.lifetimes.tv। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़े और कांग्रेस की चिंता करें। उन्होंने कहा कि उनकी खुद की पार्टी में अंदरूनी कलह चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय द्वारा जो हिमाचल कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को निरस्त किया गया है, वह इस अंतर्कलह का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कुलदीप राठौर पहले अपनी पार्टी को चुस्त दुरुस्त करे और फिर भाजपा पर टिप्पणी करें। उनका कहना है कि कांगड़ा में उपचुनावों में कांग्रेस को अंत तक प्रत्याशी नहीं मिल रहा था और जब प्रत्याशी मिला तो कोई भी बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं कूदा। उपचुनावों में कांग्रेस कांगड़ा में तीसरे नंबर पर आई। जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि भाजपा उपचुनावों में धनबल के प्रयोग से जीती है, वो पूर्ण रूप से गलत है। भाजपा अपने सुशासन और कुशल नेतृत्व के कारण जीती है। साथ ही उनका कहना था कि भाजपा कभी भी किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाती, अपितु सभी का आदर सत्कार करती है। भाजपा में जो भी अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा भी की जाती है। मैं समझती थी बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की चिंता हो रही है और उनकी इनफाइटिंग की बातें वो करते हैं, जबकि जीता जागता इनकी अंदरूनी लड़ाई का सबूत कल केंद्र द्वारा निर्णय लिया जाना कि पूरी की पूरी कार्यकारिणी निरस्त कर देना, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्हें पहले अपनी पार्टी को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, इनफाइटिंग वहाँ रोकनी चाहिए। बात करते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव में आपने देखा होगा कांगड़ा में लास्ट मोमेंट तक भी ये अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पाए। वो अंदरूनी लड़ाई तो थी और जो तय किया उसके लिए कोई भी बड़ा नेता प्रचार में नहीं उतरा और आरोप लगाते हैं कि धनबल का इस्तेमाल किया गया। फिर भी तो आप तीसरे स्थान पे आए, कहीं तो आपकी लड़ाई, आप नेशनल की पार्टी है, अपनी लड़ाई अगर आप ठीक करते तो कहीं ना कहीं आप दूसरे स्थान के लिए लड़ाई लड़ते, मगर आपकी आपसी लड़ाई खत्म नहीं हुई और इसी वजह से आप कांगड़ा में तीसरे स्थान में रहे। पछाड़ की जब ये बात करते हैं तो पछाड़ में हमारी बागी जो उम्मीदवार रही उससे हमें थोड़ा नुकसान हुआ, नहीं तो ये वहाँ कह रहे हैं कि हम कांग्रेस बड़े अच्छे उसमें थी, बड़ी हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़ाई लड़ी, तो वहाँ भी ये इतनी मुँह की खाते कि वहाँ पर भी हमारा जो है वो 14,000 का आंकड़ा जीत का रहता इनसे। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि इन्हें चिंता भारतीय जनता पार्टी की क्यों है, जबकि इनके अंदरूनी इतनी लड़ाई है, रोज आप देखते हैं हर रोज कि ये किसी भी बात पे एक दूसरे की बात पे सहमत ही नहीं रह पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, वो अपनी अंदरूनी लड़ाई को भली भांति समझता भी है और उसे ठीक करना जानता भी है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी की चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई खुद सुलझा लेगी और जो उन्हें करना होगा वो सही कदम उठाएगी। इसके लिए उन्हें सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, सलाह वो अपने नेताओं को दे। मान सम्मान की ही बात कर रही हूँ कि मान सम्मान, उनका मान सम्मान, अपने मान सम्मान के लिए वो लड़े। हमारी पार्टी में कभी भी किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती है, इसलिए सभी का आदर करते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। पार्टी में जो भी कोई अच्छा काम करता है उसके लिए भी शाबाशी भी मिलती है। यदि कहीं कुछ नज़र आया होगा उसके लिए अगर टिप्पणी किसी ने की है तो मुझे लगता है तथ्यों के आधार पर होगी। बिना तथ्यों के कभी भारतीय जनता पार्टी कोई कदम नहीं उठाती है और वो सम्मान करना जानती है, पार्टी के नेता का पूरा सम्मान भी करती है, बेइज्जती कहीं नहीं करती। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।